जिम्बाब्वे में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में गुरुवार को वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराकर वर्ल्ड कप में खेलने का रास्ता बना लिया। वेस्टइंडीज टीम इस जीत से काफी एक्साइटेड दिखी। मैच के बाद टीम के सबसे घातक बल्लेबाज क्रिस गेल ने दुनिया को सन कर दिया। दरअसल गेल ने कहा कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब फिट रहना चाहता हूँ। अब हमारे पास एक युवा टीम है, मगर ये निश्चित रूप से मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ। गेल के इस बयान के बाद उनके फैंस में काफी निराशा पसरी है। आपको बता दें, गेल ने साल 1999 में अपना पहला वनडे खेला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सिर्फ 10 साल के थे। गेल ने अपना पहला मैच भारत के खिलाफ ही खेला था। हालांकि पहले ही मैच में वह एक रन पर आउट हो गए थे, मगर उसके बाद उन्होंने अपने खेल का स्तर कितना ऊंचा किया, ये हम सभी जानते हैं। आपको बता दें, गेल ने अपने जीवन में 280 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37.11 की औसत से 9575 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 23 शतक और 48 अर्धशतक भी निकले। वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर 215 रन है। टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो गेल के खाते में 103 मैच है, जिसमें उन्होंने 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए और 37 अर्धशतक निकले, और उनका सर्वाधिक स्कोर 333 रन है।